माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी करने के लिए आज एक विशेष डाक टिकट का विमोचन करने की कृपा करें। यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक होगा जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। माननीय विशिष्टगण, आज इस खास मौके पर हम सब भारत के संविधान को समर्पित दो पुस्तकों के विमोचन के भी साक्षी होंगे। अतः माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध, कृपया इन पुस्तकों का विमोचन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पहली पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसी के साथ दूसरी पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। मेरा सादर अनुरोध, इस पुस्तक का भी विमोचन करने की कृपा करें। ये दोनों पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। सादर धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। अतीत की हमारी गहरी जड़ें, समृद्ध विरासत, ज्ञान का व्यापक विस्तार और सभ्यता का सुंदर स्वरूप इन चित्रों के माध्यम से सामने आता है। संस्कृति परंपरा की वे गहरी कड़ी आज भी अक्षुण्ण है, उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्रेरणादायी भी। अतः आपसे सादर अनुरोध,
भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। धन्यवाद। भारत के प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थिक, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें मान्यवर। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों की जानकारी अनुसार ये सभी पब्लिकेशंस लोकसभा पब्लिकेशन काउंटर पर उपलब्ध होंगी, जिनकी सूचना आप सभी को बुलेटिन के द्वारा जारी कर दी जाएगी।